विकास के रुके हुए पहिए को फिर से चलाना है तो कांग्रेस को जिताना होगा, ऐसा वक्तव्य डॉक्टर मनीष सिंह सदर प्रत्याशी कांग्रेस के द्वारा दिया गया। हम आपको बताएंगे, कांग्रेस उम्मीदवार को IMA और कायस्थ समाज का समर्थन प्राप्त हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सिंह चौहान ने सदर विधानसभा 180 के अमावा विकास खंड में दर्जनों स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क करके अपने लिए जनसमर्थन की अपील की। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भवन में जिले के सभी चिकित्सकों व काय समाज से जुड़े लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मनीष सिंह चौहान ने कहा कि रायबरेली को कांग्रेस ने सजाया है और संवारा है। रायबरेली की जनता अन्य पार्टियों के लिए मतदाता है, किंतु कांग्रेस के लिए परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता के सम्मान के लिए हमेशा वो खड़े रहेंगे। जिले के विकास के लिए वह उम्मीदवार बनकर आए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि यहाँ के लोगों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, विगत 10 सालों से यहाँ का विकास रुक गया है। इस विकास के रुके हुए पहिए को फिर से चलाना है तो कांग्रेस को फिर से जिताना होगा। इस मौके पर प्रमुख रूप से डॉक्टर ओमिका चौहान, डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर संजीव जायसवाल समेत भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। इस संबंध के लिए मैं गौरव द्विवेदी अनुपम मनीष के साथ।